मैंने एक बर्तन मंगवा ली। एक करछी से इतने बर्तन? अरे ये करछी आपकी या मेरी थोड़ी थी बड़े बाबू, वो तो मां अन्नपूर्णा की थी। अच्छा चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट न्यूज में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजेश खन्ना और जया भादुर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार जिन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, उस दौर में राजेश खन्ना ने कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। जया भादुरी के साथ उन्होंने एक फिल्म की बावर्ची, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म ने सफलता का पताका तो लहरा दिया, लेकिन इस फिल्म के कुछ समय के बाद राजेश खन्ना का स्टारडम ताश के पत्तों की तरह ठहरने लगा। बावर्ची फिल्म से पहले भी राजेश खन्ना कई हिट दे चुके थे और जया भादुरी भी बॉलीवुड में धीरे धीरे पैर जमा रही थी। फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जया काका की हरकतों से बहुत परेशान होती थी। कहते हैं इस दौरान उन्होंने राजेश खन्ना को सताया भी था। क्या था वो कारण, आइए आपको बताते हैं। राजेश खन्ना को जब हो गया था खुद पर घमंड। कहते हैं आदमी जब तरक्की करने लगता है तो अक्सर घमंड उसे अपनी आगोश में ले लेता है। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के साथ भी हुआ था। राजेश खन्ना के साथ जया ने फिल्म बावर्ची साइन की। ये उस दौर की बात है जब अमिताभ इंडस्ट्री में नए नए आए थे, लेकिन उनकी फिल्में कमाल नहीं कर पा रहे थे। अमिताभ तब जया से सेट पर मिलने के लिए अक्सर आया करते थे। राजेश खन्ना की ये हरकत जया को नहीं लगती थी अच्छी। राजेश खन्ना का सेट पर आना अमिताभ को बहुत अकड़ाता था। वो उनसे जूनियर एक्ट्रेस की तरह बिहेव करते थे और कभी कभी तो अमिताभ को देख अनदेखा भी कर देते थे। इस बात को जया भादुरी देखती और तो उन्हें अमिताभ के लिए बहुत बुरा फील होता था। राजेश खन्ना भी जया और अमिताभ का नजदीकियों पर गौर देते थे। एक दिन उन्होंने जया से पूछा, तुम इस लड़के के साथ क्यों घूमती हो, इस लड़के का कुछ नहीं होने वाला, अपना वक्त इस पर खराब मत करो। जया ने सीनियर के तौर पर उनका सम्मान करते हुए बात को आने जाने दिया। हद तो उस दिन हो गई जब अमिताभ फिर एक दिन सेट पर मिलने के लिए पहुंचे और राजेश खन्ना अचानक ही बिगड़ गए। राजेश खन्ना को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कह डाला कल का चोपड़ा उनकी एक्ट्रेस से यूं मिलने चला आया। उस वक्त राजेश खन्ना ने अमिताभ को डांट दिया था। जब राजेश खन्ना ने अमिताभ के साथ इस तरह का बर्ताव किया तो जया को बहुत गुस्सा आया। राजेश खन्ना को जया ने उसी वक्त जवाब दे दिया। जया ने उन्हें कहा, काका बिहेव योर सेल्फ, भगवान से डरिए, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। आज आप जिसे आज इतना भला बुरा कह रहे हैं, देखना एक दिन वो इंडस्ट्री पर राज करेगा। जया के मुंह से निकली बात जैसे सच साबित हुई। अमिताभ की दीवार ने राजेश खन्ना के स्टारडम को ताश के पत्तों की तरह थहा दिया। अमिताभ इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर का भरोसा जीत रहे थे और आज अमिताभ सदी के महानायक है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।